हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट 2020 के रिजल्ट डेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था 15 डेज में आपके रिजल्ट आ जाएगी, तो 15 डेज में आपके रिजल्ट आने वाली है, ठीक है। और 1,00,000 टीचर की जो बहाली होने वाली है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है न्यूज़। आप देख सकते हो यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है वो 31 मार्च से पहले आपके यहाँ पर रिजल्ट डेट आज रिजल्ट आ जाएगी वो यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। 31 मार्च से पहले आपके रिजल्ट यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला था 15 डेज में आपके रिजल्ट आ जाएगी, लगभग 15 डेज का टाइम लग सकता है। तो आप मान के चलो कि आपकी जो रिजल्ट है वो 26 से लेकर 28 के बीच में बिल्कुल यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि डेट जो है यहाँ पर 31 मार्च से पहले दिया गया है कि आपके रिजल्ट यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 1,00,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है मई से पहले। तो इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या है न्यूज़, ठीक है। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है उसमें दिया गया है कि आप 1 से लेकर 8 तक क्लास के लिए यहाँ पर 90,000 यानी कि 90,763 यहाँ पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है, ठीक है। और नीचे देख सकते हो लगभग हाई स्कूल की बात करें तो 35,000 आपकी यानी कि 35,000 वैकेंसीज आने वाली है आपके यहाँ पर बहाली होने वाली है हाई स्कूल में, ठीक है। तो अगर दोनों मिला दिया जाए तो 1,50,000 वैकेंसी यहाँ पर अभी खाली है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी बहाली होने वाली है गाइस, तो यहाँ पर न्यूज़ है। और इस यहाँ पर देख सकते हो न्यूज़ यहाँ पर पूरी दी गई है, 1 से लेकर 5 तक जो यहाँ पर शिक्षक बहाल होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 63,000 यहाँ पर बहाल होने वाले हैं, ठीक है। और 6 से लेकर 8 तक जो शिक्षक बहाल होने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 26,811 शिक्षक की यहाँ पर बहाली होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बहाली होने वाली है। मैं से पहले देखते हैं कि मैं से पहले यहाँ पर कितनी बहाली हो पाती है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर STET का जो रिज़ल्ट है वो मार्च में आ जाएगा और उम्मीद यही है कि 26 से लेकर 28 के बीच में आपके रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो काफी अच्छी खासी न्यूज है गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसे न्यूज के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर से करना गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।